लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है। पहले तो पीडीएस की दुकान पर जाने का सौभाग्य मिला और वहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम में लोगों के साथ मिलकर जो अन्न वितरण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के माध्यम से गरीब जनता को दो वक्त की रोटी का और कोई भी भूखा न सोए इस विचार को लेकर के जो उन्होंने कार्यक्रम रचा है उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने ये निश्चय किया कि कोरोना के संक्रमण में कोई भी हमारा भाई भूखा न सोए और उसके दो वक्त के रोटी का इंतजाम होना चाहिए, इस बात को सोच करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम शुरू किया। जब हम मोदी जी के कार्यक्रम की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे प्रमुख बात है कि मोदी जी की सरकार प्रोएक्टिव यानी खुद से एक्टिव होकर प्रो रिस्पॉन्सिव यानी खुद से लोगों की समस्या को रिस्पॉन्ड करना, लोगों की समस्या का उत्तर देना और जिसे कहते हैं प्रो पीपल, जनता के लिए योजनाओं को लेकर के आना, इस नीति को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण इस बात का है कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घोषित कर दी और 80 करोड़ की जनता को तब से लेकर आज दिन तक और आने वाले समय में उन्होंने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति प्रति परिवार की दृष्टि से 80 करोड़ की जनता को यह अनाज मुहैया कराया। इसका असर क्या पड़ा? इसका असर यह पड़ा कि कोरोना के पेंडेमिक में जब लोगों को दिक्कत में आए तो जो उससे आर्थिक दृष्टि से गरीबी निचले स्तर पर और जानी थी उस झटके को मोदी जी की नीतियों ने संभाल लिया और गरीब आदमी भी इज्जत के साथ अपने काम के दृष्टि से खड़ा रहा, यह उसमें से निकल करके आया। दूसरी बात जो IMF रिपोर्ट में आती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की दृष्टि से कि सारी घटनाक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को बढ़ने नहीं दिया, उसके उन्मूलन में बल्कि और तेजी से काम किया और 0.8% से ऊपर अति गरीबी को बढ़ने नहीं दिया। इस बात को भी हमको याद रखना। और हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहा कि मोदी जी से और भारत से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जब लॉकडाउन लगता है या ऐसी महामारी आती है तो उस महामारी में सिर्फ दवा देना जरूरी नहीं होता, दवा के साथ साथ उसको भोजन देना भी आवश्यक होता है, उसकी आर्थिक चिंता करनी भी आवश्यक होती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर अन्य देशों को भी चलना चाहिए, यानी विश्व को रास्ता दिखाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप कोरोना के संक्रमण में यहाँ पर एकत्र आए हैं और मास्क भी नहीं पहना है और नजदीक नजदीक बैठे हैं। इसका मूल कारण ये है कि 130 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी ने समय रहते 9 महीने के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन भारत को दी और 185 करोड़ डोज लग चुके हैं 130 करोड़ की जनता को और अब 12 साल से बच्चे और 15 साल के बच्चों को भी डोज लग रही है और प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज का भी इंतजाम किया, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस कारण
130 करोड़ की जनता को उन्होंने एक तरीके से स्वास्थ्य का कवच पहना दिया, सुरक्षा कवच पहना दिया। इसलिए आप अब बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं और कोरोना के संक्रमण से निकाला है, इसको भी हमको समझिए। और आप याद करो, जब टीका आ रहा था तो यही कांग्रेसी नेता, यही आपके यहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि इसकी क्या वैलिडिटी है, ये इंजेक्शन क्या काम करेगा नहीं करेगा, इसका ट्रायल नहीं हुआ है। किसी ने मोदी टीका कहा, किसी ने इसको बीजेपी का टीका कहा। मैं उन सबसे पूछता हूँ, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा बीजेपी का टीका? चुपके चुपके लगाते रहे, ट्वीट करते नहीं हो, बाकी सारी बातें ट्वीट करते हो। ये 80 करोड़ की जनता को जो हम आज आप सबके साथ शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है, उसमें किसी दिन हम वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं, कल डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है जिन्होंने संविधान का रचना की, कल हम उनके योगदान का दिन उनको हम समर्पित करेंगे, 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जी का जयंती थी उस दिन हमने उसके लिए समर्पित किया, 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस था उस दिन हमने आयुष्मान भारत को समर्पित किया, वैक्सीनेशन को समर्पित किया। आज हम सामाजिक न्याय के दृष्टि से और सामाजिक न्याय पखवाड़ा के दृष्टि से हम आज पीडीएस के दुकानों पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जाकर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि गरीब लोगों को अनाज प्रधानमंत्री मोदी जी का 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसको मिलने में अपना भी योगदान कर रहा है। तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं दिल्ली में 74 लाख लोगों को इस तरीके से पीडीएस के द्वारा जो अनाज मिल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ में प्रहरी के रूप में खड़ा होकर के सुनिश्चित करा रहा है कि गरीब लोगों तक यह अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपको धन्यवाद। और मैं माताएं बहनों सबको ये कहूँगा कि मोदी जी का आशीर्वाद जो हम सब लोगों को मिला है, इसको हम लोग और अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसमें अपने आप को शामिल करें, इतना ही मैं निवेदन करूंगा। और आज मैं वितरण के काम में अपना योगदान दे रहा हूं। 1.4 ट्रिलियन खर्च होता है सब्सिडी पे खाने के मामले में, उसके बाद भी 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ये योजना कहाँ तक कारगर होगी? देखिए, ये योजना जो हमारे सबसे नीचे लेवल के लोग हैं उनके लिए काफ़ी कारगर है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 1.4 मिलियन डॉलर ट्रिलियन खर्च होता है इसकी सब्सिडी पर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इस टाइम महामारी आई थी और ऐसे में हमारा देश में, क्योंकि हमारा जो देश है गरीब, एक तरीके हम ये कहेंगे कि गरीब थोड़ा देश है, यहाँ हमारे नीचे तबके के लोग काफ़ी रहते हैं जिन जो हैंड टू माउथ हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। कुछ परिवारों में इस तरह का भी हुआ कि उनकी व्यवस्था खत्म हो गई, उनकी नौकरियां खत्म हो गई, जो आज तक भी वो समर्थ नहीं हो पाए हैं अपनी नौकरी में, या परिवारों में बीमारी ऐसी आ गई कि जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई, या कर्जा लेकर उन्होंने अपना इलाज करवाया, इस तरह से उन्होंने अपना ये करा। और इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये गरीब कल्याण अन्न योजना निकाली है, जिसमें हमारे नीचे के तबके के लोग हैं उन्हें राशन मिल सके। ये हमारी प्रधानमंत्री जी की योजना प्रथम पंक्ति से लेकर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक है, ये कोरोना काल से चली आ रही है। ये कोरोना काल से प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था शुरू करी थी, जो आज तक कोरोना काल खत्म होने के बाद भी शुरू है और शुरू रहेगी, हम चलती रहेगी। हमारे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस सेवा में लगातार लगा रहता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाभार्थी संवाद था आज, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आए, और यहाँ के जो आदरणीय मोदी जी की तरफ से जन जन तक राशन दिया गया उसके विषय में संवाद किया गया, लोगों की जानकारी मिली और सभी को यहाँ राशन वितरण करके मदद की गई, और यह कार्य चलता रहेगा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।